नमस्कार, आदाबर्ज, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी रसिक श्रोताओं का हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के इस शो में, इस प्रोग्राम में, जिसे आप सब जानते हैं, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर के नाम से। एक बार फिर लेकर आया हूं कुछ रोचक कहानियां। किस तरह देवानंद ने बनाया अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स। वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से अपने पीक टाइम पे हेमा मालिनी को करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्म्स, और वो कौन सा दोस्त था जिसके त्याग ने, सेक्रिफाइस ने, कुर्बानी ने गीतकार योगेश को पहुंचाया उनकी मंजिल तक। और क्यों नहीं की शादी साहिर लुधियानवी ने और आजीवन रहे बैचलर। सब आज के ही शो में सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो शुरू करते हैं आज का शो। किशोर कुमार के बारे में बातें तो करते रहते हैं, लेकिन आज एक बिल्कुल निराला किस्सा। एक जनरल ओपिनियन है, परसेप्शन है किशोर कुमार के बारे में कि बड़े नटखट, मिजाजी, झक्की, सनकी, सिनिस्टिकल, पैसों के मामले में बहुत कड़क, कि चमड़ी जाए लेकिन दबड़ी ना जाए, पैसे देने में नहीं लेने में ज़्यादा विश्वास। मगर आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो किस्सा किशोर कुमार के एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को सामने लाता है। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर आपको इसमें नजर आएगा और बिल्कुल सच्चा किस्सा है ये। 1964 की बात है जब बिपिन गुप्ता की फर्स्ट फिल्म का निर्माण हो रहा था। फिल्म का नाम था दाल में काला। फिल्म के डायरेक्टर थे सत्यन बोस और हीरोइन थी निम्मी। एक दिन अचानक बिपिन गुप्ता जी ने, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा दादा सत्यन बोस से कि देखो भाई, कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, आगे की शूटिंग नहीं हो सकती। इत्तफाक से देखिए कि जब बिपिन गुप्ता ने यह बात डायरेक्टर सत्यन बोस से कही, तब पास में ही किशोर कुमार खड़े हुए थे, और किशोर कुमार ने यह पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि फिल्म की शूटिंग आपको रोकनी पड़ रही है। तब बिपिन गुप्ता ने अपनी मजबूरी बताई, फाइनेंस की कमी, लैक ऑफ फंड्स। असल में उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग 20,000 एडवांस मांग रहे हैं और गुप्ता जी के पास ये रकम नहीं है देने के लिए, पैसा कम है। अब पैसा नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन की टीम काम नहीं करेगी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं फिल्म प्रोडक्शन बंद कर दूं, शूटिंग रोक दूं। किशोर कुमार को जैसे ही ये पूरी स्थिति समझ में आई तो उन्होंने अपने ड्राइवर को इमीडिएटली घर भेजा, इंस्ट्रक्शन दिए। उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किशोर कुमार के घर से 20,000 रुपये कैश आ गए, और उस 20,000 रुपये को बिपिन गुप्ता के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, किशोर कुमार ने, ये बिल सेटल करो प्रोडक्शन की टीम के साथ ताकि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो सके, और सुनो, अगर और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना, उन पैसों का भी मैं इंतजाम कर दूंगा। अब ये इंसिडेंट किशोर कुमार का बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि जब तक इशारा नहीं मिलता था, पैसे नहीं होते थे, इशारा तो गाना नहीं गाते थे, लेकिन एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। किशोर कुमार किस तरह चेतन आनंद की पहली फिल्म का फ्लॉप हो जाना बन गया देवानंद के प्रोडक्शन नवकेतन फिल्म्स की स्थापना का कारण। ये कहानी सुनाऊंगा, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। देवानंद और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स, बहुत सारे बेहतरीन फिल्में इस बैनर के तले बनी हैं। बाजी, फंटूश, हम दोनों, गाइड, हरे रामा हरे कृष्णा, ज्वेल थीफ, ऑल क्लासिक फिल्म्स। मगर ये नवकेतन फिल्म कंपनी बनी कैसी? हाउ इट गॉट एस्टेब्लिश्ड? क्यों देवानंद को लगा कि अब अपनी कंपनी खोलनी चाहिए? वो क्या हालात थे जिसकी वजह से नवकेतन का जन्म हुआ? ये गौर तलब है, मैं बताने जा रहा हूं आपको। बात उन दिनों की है जब देवानंद के भाई, बड़े भाई साहब चेतन आनंद साहब, एक फिल्म बना चुके थे। यह उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था नीचा नगर। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में बहुत सराहा गया, लेकिन
हिंदुस्तान में, अपनी कंट्री में ये फिल्म गुमसी हो गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई भी नाम या निशान नहीं छोड़ा। फिल्म को भारत में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला और चेतन आनंद साहब इस बात से बहुत हताश हो गए। बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत निराशा में थे, डिप्रेशन में थे। पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए और डिजास्टर हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति का क्या हाल हो सकता है। छोटे भाई को जब बड़े भाई की इस निराशा का, नाकामयाबी का पता चला तो छोटे भाई देव ने सोचा कि अब उसे अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह वो टाइम था जब देवानंद धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तो एक दिन देवानंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद को बताए बगैर अपने एक प्रोड्यूसर के दफ्तर में पहुंच गए। प्रोड्यूसर अपने हीरो देवानंद को इस तरह से आया देखकर चौंक गया। यह सरप्राइज था। आओ भगत की, बोला देव, बोलो कैसे आना हुआ? अरे यार, बड़े कमाल की बात है। देवानंद ने कहा कि मुझे मदद चाहिए आपकी। प्रोड्यूसर साहब बोले, बोलो क्या चाहिए, क्या कर सकता हूं, व्हाट डू यू वांट? देवानंद ने कहा, बात दरअसल ये है, मुझे एक न्यू बिगनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है। आई नीड मनी, फाइनेंस फंड्स। आप वो जो अमाउंट है मेरे पेमेंट में एडजस्ट कर लेना, लेकिन वो अमाउंट मुझे अभी चाहिए। प्रोड्यूसर भी दिलदार था, उसने कहा समझो काम हो गया, लेकिन तुम ये नई शुरुआत की जो बात कर रहे हो, ये नई शुरुआत क्या है? देवानंद ने कहा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। प्रोड्यूसर ने जितना देवानंद चाहते थे उतने पैसे कैश दे दिए और उन कैश पैसों को लेकर देवानंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास पहुंचे और बोले, झंडा गाड़ दो। चेतन आनंद ने देव की बात सुनकर पूछा, झंडा? किस बात का झंडा? देवानंद बोले, बैनर का नामकरण कर दो जिसे तुम लॉन्च करना चाहते हो। चेतन आनंद हैरानी से बोले, किसको लॉन्च करना चाहता हूं? देवानंद बोले, हमारी पहली फिल्म को। चेतन साहब बोले, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब देवानंद ने नोटों की गड्डी निकाली और अपने बड़े भाई चेतन के सामने रखते हुए सारा मामला उन्हें समझाया और बताया कि वो अब अपना बैनर एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इन पैसों से हम फिल्म बनाएंगे, अपने बैनर की पहली फिल्म। इसका कुछ हिस्सा सुरैया को जाएगा क्योंकि वो तुम्हारी लीडिंग लेडी होने जा रही है और मैं तुम्हारा लीडिंग मैन, अगर तुम मुझे अप्रूव करो तो। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और इस तरह से एस्टैब्लिश हुई और स्टार्टिंग हुई देवानंद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की, जिसका नाम रखा गया नवकेतन फिल्म्स। इस कंपनी में जिस पहली फिल्म का निर्माण हुआ उस फिल्म का नाम था अफसर और उसके बाद नवकेतन में 25 से भी ज्यादा बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया गया। क्यों हेमा मालिनी को करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्में? क्या मजबूरी थी? बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। हेमा मालिनी राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बन गई थी ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइन। अब मैं जो आपको किस्सा सुना रहा हूं, जहां मजबूरी हालात ने उन्हें बी ग्रेड की फिल्में करने के लिए मजबूर किया, ये किस्सा हेमा मालिनी की बायोग्राफी से है। वक्त इंसान से सब कुछ करवा लेता है और यही हुआ हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी अपनी पहली संतान को जन्म देने के बाद फिर से काम की तलाश में थी। तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेज दिया 1 करोड़ रुपया जमा करवाने का। इतने सारे रुपए, ये अमाउंट एक साथ इकट्ठा कर पाना और टैक्स भर पाना थोड़ा सा मुश्किल था और वो धर्मेंद्र की मदद भी नहीं चाहती थी। तो दूसरी तरफ पर्सनल एक ट्रेजेडी भी हो गई थी, पिताजी गुजर गए थे। बड़े भाई की पोस्टिंग कलकत्ता होने की वजह से थोड़ी सी परेशानियां सामने आ रही थी। दूसरे भाई जगन का फार्मास्यूटिकल का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था, फिर भी वो जितनी मदद कर सकता था उसने उतनी मदद करने का वादा कर लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे।
इनकम टैक्स की तरफ से बार बार स्क्रूटनी और बार बार इंक्वायरी आ रही थी और मीडिया में भी खबरें आनी शुरू हो गई थी। परेशानी, स्ट्रेस अपने पीक पर, तो उन्होंने अपने केस की फाइल को मद्रास से मुंबई शिफ्ट करवा लिया और यहां पे अपॉइंट किया मिस्टर शाह और मिस्टर गुप्ता अपने सीए को। बोला, भाई क्या करना है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि एक ही रास्ता है, छुटकारा तभी मिलेगा जब हम पेनल्टी भर देंगे। अब पेनल्टी भरने के लिए तो पैसा चाहिए, और अगर पैसा चाहिए तो फिल्में करनी पड़ेंगी, इसके अलावा तो कोई विकल्प था नहीं। ये वक्त ऐसा था, बड़े बैनर उन्हें काम नहीं दे रहे थे। उनके पास श्याम रलहन की फिल्म का ऑफर आया, रामकली फिल्म का। ये बी ग्रेड फिल्म थी, हेमा मालिनी का डबल रोल था। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी, इस मजबूरी ने कि टैक्स किसी तरह से चुका दें, बिना सोचे समझे उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया। मगर श्याम रलहन से रिक्वेस्ट की थी कि इस फिल्म के पोस्टर्स शहर के बाहर के छोटे थिएटर में ही लगाए जाएं। एक डाकू का रोल था इसमें। फिल्म की इनिशियल सक्सेस के बाद छोटे बैनर्स के प्रोड्यूसर्स ने ए ग्रेड हीरोइन हेमा मालिनी को अप्रोच करना शुरू कर दिया और साइन करने पहुंच जाते थे हेमा मालिनी के बंगले पर, और मजबूरी में हेमा मालिनी को बी ग्रेड की फिल्में साइन करनी पड़ी। हालांकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वही बात है, क्या करें। और टैक्स चुकाने के लिए फिल्मों के साथ साथ स्टेज शोज भी करना शुरू कर दिए, डांस शोज भी करना शुरू कर दिए। और 10 साल तक चले इस संघर्ष के बाद अंततः उन्होंने अपने सारी पेनल्टी, सारे टैक्स थे, चुका दिए। और इस मुश्किल से गुजरने के बाद उन्हें पिता का दिया हुआ एक सबक याद आया, जो उन्होंने कहा था कि बेटी, काम तो खूब मन लगा के करना, लेकिन समय निकालकर अपने पैसों के लेन देन और अकाउंट्स की जानकारी भी लेती रहना। और मैं जितने अपने श्रोता है उन सबको एक बात जरूर दिल की शेयर करना चाहूंगा कि पैसे कमाना तो मुश्किल है, परंतु उन पैसों को बचा के सही तरह से उनका निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना और बचा के रखना, वो पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। आप सबको ये हुनर आए, वापस आकर बताऊंगा गीतकार योगेश को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले उनके दोस्त और इस दोस्ती की अनोखी कहानी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात करते हैं गीतकार योगेश जी की। जिंदगी में अगर सच्चा दोस्त मिल जाए तो इंसान को समझना चाहिए कि वो बहुत किस्मत वाला है दोस्त। वो कतील शिफाई की गजल मुझे याद आ रही है कि ये मौजजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। ऐसा ही मौजजा, ऐसा ही चमत्कार हुआ एक दोस्त के रूप में जब मिला गीतकार योगेश जी को उनका दोस्त, जिसका नाम था सत्य प्रकाश। जब योगेश जी के पिताजी, जो कि पेशे से इंजीनियर थे, उनका देहांत हो गया, तब घर की सारी जिम्मेदारी योगेश जी के कंधों पर आन पड़ी। घर में सबसे बड़े थे। योगेश जी ने लखनऊ के डीएवी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास करके यूनिवर्सिटी में दाखिला ही लिया था। ज्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, बचत भी नहीं थी, इसलिए काम करना बहुत जरूरी हो गया था। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स कर रखा था, इसलिए उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर कोई काम नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि फिल्मों में राइटिंग का काम कर रहे उनके कजिन ब्रजेंद्र गौर के पास चल के कुछ काम मांगना चाहिए। ये मन की बात उन्होंने अपने दोस्त सत्तू यानी सत्य प्रकाश को बताई। सत्य प्रकाश जमींदार का बेटा था, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं, और पीछे से घर में माँ और बहन को दिक्कत ना हो, इसलिए योगेश जी ने अपनी पुश्तैनी हवेली के कुछ कमरे किराए पे चढ़ा दिए। 60 के दशक में योगेश जी अपने दोस्त सत्य प्रकाश जी के साथ आ गए बंबई। यहां जब अपने कजिन से मिले तो मदद करना तो दूर, उसने ये भी नहीं पूछा कि कैसे हो, कहां रुके हो, क्या हाल है।
बल्कि डिस्करेज किया कि यहां काम मिलना आसान नहीं है, तुम्हें बता के आना चाहिए था, और उनसे कहा कि तुम वापस लौट जाओ। योगेश जी को ठेस तो पहुंची, लेकिन योगेश जी से ज्यादा ब्रजेंद्र जी के इस व्यवहार से ठेस पहुंची दोस्त सत्तू उर्फ सत्य प्रकाश जी को। बहुत बात गहरे दिल में लग गई। दोनों असमंजस में थे कि करें तो क्या करें, कहां रुके। तब उन्होंने शरण ली एक आर्य समाज मंदिर में। मंदिर का एक कमरा सिर्फ 7 दिन के लिए अवेलेबल था, और 7 दिन तो यूं ही निकल गए देखते देखते। अब वक्त आया आर्य समाज मंदिर छोड़ने का। जेब में सिर्फ 500 रुपये थे। दोनों ने अंधेरी में एक ऐसी झोपड़ी को किराए पर लिया जहां 40 मिनट लगते थे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में। ना पक्का फर्श था, ना बिजली, ना पानी। अब रुक तो गए, लेकिन ये पैसे खत्म हो इससे पहले कुछ पैसों का जुगाड़ करना, फंड्स होने बहुत जरूरी थे। इसलिए मजबूरी को और हालात को देखते हुए योगेश जी ने कहा कि मैं नौकरी ढूंढ लेता हूं, खर्चा तो चलाना है, खाना तो खाना है। तब यारों के यार सत्य प्रकाश और सत्तू ने कहा, तू कुछ नहीं करेगा, तुम जो भी करोगे सिर्फ फिल्म लाइन में ही करोगे, वहीं पर स्ट्रगल करना है। तुम फिल्म राइटिंग कवि बनने आए हो, फिल्मों में लिखने के लिए आए हो, तुम वही करोगे, नौकरी मैं करूंगा, खर्चे की चिंता मत करो, और तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। और पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐशो आराम में पले हुए जमींदार के बेटे सत्य प्रकाश ने अपने दोस्त योगेश की खातिर चपरासी की नौकरी ढूंढ ली। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। पर अपने दोस्त योगेश को, जो कलाकार था, कुछ काम नहीं करने दिया। कई बार योगेश जी ने ट्राई भी किया कि किसी जगह नौकरी ढूंढ लो, तो सत्तू पीछा कर देता, तू नौकरी नहीं करेगा, तू कवि है, तू शायर है, फिल्मों के लिए काम ढूंढ तू। और सत्तू चपरासी और योगेश जी कवि, सत्तू की ये मित्रता, मित्र भक्ति काम आई, और धीरे धीरे योगेश जी को काम मिलना शुरू हुआ। और ये बात पक्की है, योगेश जी को गीतकार और कवि बनाने का श्रेय जाता है उस महान दोस्त सत्य प्रकाश और सत्तू को, जिसने चपरासी की नौकरी की जमींदार का बेटा होने के बावजूद, लेकिन अपने दोस्त को एक मकाम तक पहुंचा दिया। दोस्ती के इस जज्बे को प्रणाम करते हुए, श्री सत्य प्रकाश को प्रणाम करते हुए, श्री योगेश जी को प्रणाम करते हुए, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए, ऐसे दोस्त भगवान करे सबको। मशहूर शायर, गीतकार, लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी ने कभी शादी नहीं की, क्यों, क्या कारण थे, बताऊंगा आपको लौट कर। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। साहिर लुधियानवी, कलम का जादूगर, क्या क्या गीत लिखे हैं, क्या क्या गीत दिए हैं, और किस एंगल से गीत का अंदाज है, नया एंगल है, नया अंदाज है। और रोमांटिक गाने भी कमाल कमाल के लिखे हुए हैं। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अपने गीतों के जरिए दुनिया में अपना नाम फैलाने वाला है शायर साहिर। पूरी जिंदगी भर एक साथी की तलाश करता रहा। जीवन में 2 बार प्यार ने दस्तक दी थी। एक बार मशहूर लेखिका कवित्री अमृता प्रीतम के रूप में, और उसके पहले गायिका सुधा मल्होत्रा के रूप में। मगर सबसे ज्यादा प्यार रहा जिंदगी में अमृता प्रीतम। अमृता जी साहिर की दीवानी थी और साहिर की शायरी की भक्ति दीवानी थी। ये दीवानगी कब उनके प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला, और साहिर भी बहुत प्यार किया करते थे। अमृता प्रीतम के प्यार का ये आलम था कि उन्होंने साहिर से शादी करने के लिए, साहिर के प्यार की वजह से अपने पति से तलाक ले लिया था। और पंजाब में एक पॉइंट के ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई थी कि जब अमृता प्रीतम ने एक लेख में या किताब में कहीं लिख दिया था, जो मैं चाहता हूं आप गौर से सुने, उन्होंने लिख दिया था कि पति चला गया तो फिर भी रह लूंगी, अगर यार गया, प्रेमी गया, तो फिर मैं क्या करूंगी। ये बड़ी रेवोल्यूशनरी, बड़ी रेबेलियस अप्रोच थी। पति चला गया तो फिर भी रह लूंगी, प्रेमी गया तो फिर क्या करूंगी।
उस वक्त लोगों ने, समाज के लोगों ने उन पर बहुत विरोध किया, छीछा लेदर की। करना तो साहिर लुधियानवी भी शादी चाहते थे अमृता प्रीतम से, मगर बहुत कम लोगों को साहिर के शादी नहीं करने के फैसले के पीछे सच्चाई का पता है। मैं बताता हूं आपको, एक बार साहिर लुधियानवी ने गुरुदत्त के असिस्टेंट अबरार अलवी से इस बात को शेयर किया था और बताया था कि शादी नहीं करने के पीछे एक खास वजह है, क्योंकि डॉक्टर्स ने डिटेक्ट किया है कि वो हार्ट के पेशेंट हैं, दिल बहुत कमजोर है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत ब्राइट हैं स्ट्रेस में आकर, और साहिर नहीं चाहते हैं कि वो किसी को विधवा छोड़ के जाए, ये भी एक रीजन है। और साहिर अपनी सिस्टर और अपनी मदर की बहुत केयर किया करते थे, और मुझे ये भी लगता है कि ये भी मालूम था कि हार्ट का पेशेंट हूँ, पता नहीं वाइफ मेरी माँ को और अपने मेरी बहन को कैसे ट्रीट करे। तो ये जो बचपन में साहिर लुधियानवी ने अपने फादर को देखा था मदर को टॉर्चर करते हुए, तो कहीं ना कहीं बालक साहिर के अंदर ये सारी गुत्थियाँ जहन में थी, सारे कॉम्प्लेक्सेस थे, जिसकी वजह से वो अपनी मदर और अपनी सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने शादी नहीं की। और 25 अक्टूबर 1980 को हुआ भी यही, दिल का दौरा पड़ा हार्ट अटैक की वजह से, सिर्फ 59 ईयर्स की उम्र में ये ग्रेट पोइट हमें छोड़ के चला गया। मरने के कुछ साल पहले जब अमृता प्रीतम और साहिर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने रूस गए हुए थे रशिया, तो वहां उन्हें नाम की नेम प्लेट दी गई, और इत्तेफाक से नेम प्लेट एक्सचेंज हो गई। जब साहिर लुधियानवी ने अमृता से नेम प्लेट कहा कि मेरी नेम प्लेट दे दो, तो अमृता प्रीतम ने कहा रहने दीजिए, इस बहाने आपका नाम मेरे दिल के पास तो रहेगा। जब वहां से दोनों वापस लौटे तो उसके कुछ दिन बाद ही साहिर चले गए, तो अमृता प्रीतम ने कहा काश उस दिन मैं उनके नाम की प्लेट बदल पाती, शायद ऊपर वाले को गलत फहमी हो गई थी, जाना मुझे था, और उसने साहिर को उठा लिया। वापस आकर बताऊंगा उस फिल्म के बारे में जिसे बिमल रॉय राइटर से ही डायरेक्ट करवाने वाले थे, मगर बाद में वही फिल्म उन्होंने खुद डायरेक्ट की और वही फिल्म बन गई उस साल की बेस्ट फिल्म। ये फिल्म कौन सी थी, राइटर कौन था और ऐसा क्यों हुआ, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कभी किसी को, वो कौन सा गाना है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। और ऐसा ही कुछ हुआ कलकत्ता से बंबई आए ऋत्विक घटक के साथ। जब वो बॉम्बे आए तो एस मुखर्जी के फिल्मिस्तान में नौकरी करने लगे, लेकिन जो चाहते थे मन नहीं लगा, मन वाला काम नहीं मिला, इसलिए जल्दी आजिज हो गए और कलकत्ता वापस लौटने का मन बना लिया। ये मन बना ही था कि उनका मिलना हुआ बिमल रॉय से और उन्होंने अपने दिल की बात कही, तो बिमल रॉय ने उनसे वादा किया कि वो जल्दी ही कोई उनके मन मुताबिक का प्रोजेक्ट ढूंढ निकालेंगे, और वो दिन इत्तेफाक से जल्दी ही आ गया। बिमल रॉय ने एक दिन ऋत्विक घटक को फोन किया कि मेरे पास आ जाओ, और एक ऐसी कहानी पे काम शुरू करने को बोला जो ऋत्विक घटक के हिसाब से उनके मन की बात थी और जिसे वो खुद डायरेक्ट भी कर सके, और कहा कि मैं बिमल रॉय इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा, कहानी तुम्हारी है, तुम्हें ही डायरेक्ट करना है। खुशी से भर उठे ऋत्विक घटक और काम शुरू कर दिया और एक कहानी तैयार करना शुरू की जिसे उन्होंने अपने कजिन से सुना था। स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर दिया और स्क्रीन प्ले लिखने के बाद उन्होंने बिमल रॉय को सुनाया। बिमल रॉय को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे राजेंद्र सिंह बेदी को हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा और फिल्म की शूटिंग की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अब इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती, तभी एक दिन ऋत्विक घटक के पास उनके बंगाली दोस्त प्रमोद लाहिरी का फोन आया और उन्होंने ऋत्विक घटक को एक बांग्ला फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दे डाला, ज्यादा पैसे मिलने और अपनी भाषा की फिल्म को डायरेक्ट करने के मोह ने ऋत्विक घटक को विचलित कर दिया और बॉम्बे में चल रही जो फिल्म की प्लानिंग हो रही थी उसे बीच में ही छोड़कर
ऋत्विक घटक कलकत्ता चले गए और निर्माण में जुट गए उस फिल्म में जिसका नाम था अजांत्रिक। ऋत्विक घटक के चले जाने के बाद बिमल रॉय ने अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, डायरेक्शन और उसको, और साइन कर लिए दिलीप कुमार, वैजंती माला और प्राण। ये मेन कास्ट को लेकर उन्होंने फिल्म खुद ही डायरेक्ट करने का मन बना लिया। ये बिमल दा की दूसरी फिल्मों से अलग फिल्म थी, ये स्टोरी जो थी, कहानी थी सब्जेक्ट। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई और कंप्लीट हो गई फिल्म। ऋतिक घटक को इस फिल्म की स्टोरी के लिए क्रेडिट दिया गया क्योंकि स्टोरी उन्होंने लिखी थी, बाकी तो सब कुछ बिमल रॉय ने किया था। अब ये बिमल रॉय की खुशकिस्मती और ऋत्विक घटक की बदकिस्मती कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो 1958 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बिमल रॉय के पूरे करियर में इस फिल्म से ज्यादा कमर्शियल कोई भी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी। इस फिल्म का नाम था मधुमती और इसी फिल्म को साल के जितने भी बेस्ट अवार्ड हो सकते थे वो सब मिले। आगे आने वाले कई फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के सब्जेक्ट को कॉपी किया है, मधुमती। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए, हमारा नंबर है 55454। प्लीज राइट बिग देन स्पेस देन सुहाना सफर देन योर मैसेज। मैं तो चाहता हूं कि आपके कुछ सवाल हों जो आप हमसे पूछना चाहते हैं और हमारा फर्ज होगा कि हम उन सवालों का जवाब दें। कुछ सजेशंस हों किस प्रोग्राम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या इस प्रोग्राम को और किस रूप रेखा में आप देखना चाहेंगे। आपके सुझावों का और मैसेजेस का हमेशा इंतजार रहेगा। 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।